और आज का जो टॉपिक है उसके बाद ही वो टॉपिक आ रहा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर। और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है क्या, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है TPM, टी फॉर टोटल, पी फॉर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस M। तो ये शब्द हो सकता था टोटल मेंटेनेंस, लेकिन इसमें प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मेंटेनेंस जो हम लोग ट्रेडिशनली सोचते हैं उसके कई ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। और ये नाम जो है TPM, इसको प्रमोट किया गया है जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, इन शॉर्ट JIPM। तो उन लोग इसको कहते हैं JIPM TPM, जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस का JIPM TPM। तो हम लोग आज जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे वो ज्यादातर JIPM TPM के आधार पे ही हम लोग आज का प्रेजेंटेशन रहेगा। और इसका मेन मकसद है आप लोगों को ये समझाना कि ये TPM है क्या, एक्चुअली व्हाट इज दिस TPM। तो ये अपना मॉड्यूल 3 है। पहले हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस के ऊपर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट क्या है ये मेंटेनेंस का, जो JIPM TPM का जो प्रमोट किया है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर प्रिवेंटिव प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और जो ट्रेडिशनल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम लोग कर रहे हैं अभी तक इसमें फर्क क्या है इसको भी हम जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16 लॉस होता है TPM के अंदर, वो 16 डिफरेंट लॉस के संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि ये 16 लॉस है क्या। और कोई भी कंपनी अगर लॉस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हो सकता है सारे लॉस को रिकॉर्ड ना करें, लेकिन उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या हो सकता है, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस के ऊपर भी जानकारी हम देंगे। और ऐसा हो सकता है क्या कि मेंटेनेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, तो वो क्या होगा। और जो TPM का पिलर है वो हम लोग उसे ही शुरू करेंगे, जो 8 पिलर है, 8 पिलर के अंदर में पर्टिकुलरली जिशु होजन जिसको कहते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला टॉपिक में मैं आते हैं अभी, तो इसके ऊपर जो अपना गुरु हैं वो है हम लोग कहते थे उनको यामागुची सान नाम से। तो यामागुची सान से मैं उनसे डायरेक्टली बहुत कुछ सीखा है। तो यामागुची सान टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को बात करने के टाइम में सबसे पहले कहते थे कि इंडिया में जब भी हम विजिट करने के लिए आते हैं कोई भी फैक्ट्री में, तो हमें दिखता है फैक्ट्री एकदम रातों रात झकाझक हो गया, पूरा चमकते हैं फैक्ट्री और सारे के सारे मशीन को मतलब पेंट किया गया है। और उन्होंने कहते हैं कि भाई आप लोग पेंट करने के ऊपर और इसको लेवर देके इसको पेंट करने में जितना टाइम दिया है उस उतना टाइम अगर मेंटेनेंस के ऊपर देते, TPM के कॉन्सेप्ट के ऊपर देते, शायद आपको बेनिफिट में आता पूरा। तो इट इज नॉट पेंट मेंटेनेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। तो हम लोग आज पहला जो मेरा टॉपिक है उसके बाद मैं ओंकार को ये हैंड ओवर करूंगा, वो आपको समझाएंगे डिटेल में। मैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा कि ये जो मेंटेनेंस जो ट्रेडिशनल है जिसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं वो किस लिए करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक मशीन लेते हैं, मशीन चलते चलते अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ मैलफंक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग इमिडिएटली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को खबर देते हैं, जैसे अपना एक्वा गार्ड है, जैसे TV है, खराब होता है तो हम लोग मैकेनिक को बुलाते हैं, कार को भी वैसे ही करते हैं। तो उस टाइम में वो आके ब्रेकडाउन कहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है और क्यों हुआ है उसमें नहीं जाके क्या हुआ है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और पार्ट को रिप्लेस करके चला के फिर आपको हैंड ओवर कर देते हैं और हम लोग खुश रहते हैं। लेकिन पहला हमारा ये सोच होना चाहिए कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये क्यों हुआ है।
तो आपको इस संदर्भ में एक बात समझना होगा कि कोई भी मशीन या तो इक्विपमेंट में डिटेरियरेशन होता है। डिटेरियरेशन क्या है, मतलब कुछ ना कुछ जो ओरिजिनल कंडीशन था उससे थोड़ा नीचे चला गया कंडीशन, यही है डिटेरियरेशन। तो ये डिटेरियरेशन जो है ये दो टाइप का होता है, ये बहुत क्लियरली समझ लीजिए। एक होता है जिंदगी में सब कुछ डिटेरियरेट करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम बाउंड एजिंग होता है, राइट, एजिंग होता है। ये ह्यूमन बॉडी है, ये भी एजिंग होता है। मेरा आज जो बॉडी है, आज से 30 साल पहले मेरा बॉडी अलग था, एनर्जी भी अलग था, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस लाइफ विल बी एंडिंग। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एजिंग। हो सकता है कुछ केस में जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेफर या फिर चिप सेमीकंडक्टर्स, उसका लाइफ इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स आवर्स में आ गया, मिलियंस ऑफ आवर्स में भी हो गया, लेकिन एक ना एक दिन सबका डिटेरियरेट करते करते एक टाइम आएगा जब आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एजिंग। मतलब यू डोंट डू एनी स्ट्रेस, आप कोई भी स्ट्रेस अप्लाई मत करो, लेकिन फिर भी एजिंग होते ही रहेगा। कुछ चीजों का एजिंग ज्यादा जल्द होता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल डिटेरियरेशन, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन और एक टाइप का डिटेरियरेशन होता है, वो क्या है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, मानिए कि आप मशीन चला रहे हो लेकिन जो रिकमेंडेड आरपीएम है उससे ऊपर चल रहा है। मानिए कि आप एक सिंपल लेद मशीन चला रहे हो, उसका जो रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ कट फीड रेट है उससे ऊपर चला रहा है। मतलब आप जो रिकमेंडेड डिजाइन जो स्ट्रेस लिमिट लिमिट कहा गया है उसके ऊपर चला रहा है, वो अगर कहते हो तो आपका जो डिटेरियरेशन होगा वो जो आपका डिजाइन डेट है उससे जल्दी वो मशीन को या तो इक्विपमेंट को वो डाउनग्रेड करेगा और उसको ब्रेकडाउन की तरफ जल्दी में उसको लेके जाए। तो आपका जो शेड्यूल मेंटेनेंस है उससे पहले ही आपको मैकेनिक को कॉल करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस, याद रखिएगा अनशेड्यूल्ड। जो जब आप एक मशीन या तो इक्विपमेंट को उसका जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है उसमें चलाते हो तो आप शेड्यूल कर सकते हो मेंटेनेंस को, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब आपका मशीन स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा आ गया कि जो शेड्यूल डेट है कैलकुलेटेड डेट है उसके पहले ही वो डिटेरियरेट कर रहे हो, आपको जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्यों ज्यादा हुआ, क्या स्ट्रेस ज्यादा हुआ, ठीक है। तो हमारा मकसद एक है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में, जिन लोग मशीन चलाते हैं यानी जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं उसको हम लोग मशीन ओनर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी कि मशीन मैनेजर। तो ये आपको समझना होगा मैनेजर कौन होता है। मैनेजर वो होता है जो ना तो वो सिर्फ मशीन चला सकते हैं, लेकिन अगर मशीन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसका उसके पास इतना जानकारी है कि वो थोड़ा बहुत एक्शन भी ले सकते हैं। उनको क्लीनिंग करना आता होगा, क्योंकि क्लीनिंग कैसे करता है करना है इसके बारे में उनके पास जानकारी है, और मशीन के बारे में, आउटपुट के बारे में, मशीन का कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत नोट डाउन भी करना कर सकते हैं। तो इस ये अगर आप जानकारी ला सकते हो आप उनको कह सकते हो मशीन मैनेजर। तो हमारा मकसद है सभी फैक्ट्री में ऑपरेटर से मशीन मैनेजर को कन्वर्ट करना, और ये कर सकता है सुपरवाइजर और उनका इंजीनियर का गाइडेंस से। तो उनके लिए उनको जानकारी देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, उनको स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा मशीन को चलाने के लिए। तो आप अभी देखिए इधर, मानिए कि ये है हमारा टाइम स्केल, और मानिए कि हम जब एक मशीन चला रहे हैं खरीद किया है तब उसका कोई डिटेरियरेशन नहीं हुआ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अगर कुछ नहीं करोगे ये थोड़ा 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 करके करके वो एक पॉइंट डिटेरियरेट करता रहेगा लेकिन ये मेरा लिमिट है, ये लिमिट को अगर क्रॉस करेगा हम कहेंगे कि मशीन ब्रेकडाउन में है, क्योंकि मशीन फंक्शनलिटी बंद हो जाए। तो
ये डिटेरियरेशन को हम लोग बंद करेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि ये डिटेरियरेशन जो है, एजिंग को छोड़ के जो डिटेरियरेशन होता है उसको हम कैसे बंद करेंगे और एजिंग द्वारा जो डिटेरियरेशन होता उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है उसका जो मेन जो फोकस पॉइंट है ये दोनों पॉइंट के ऊपर है। तो हम लोग रिस्टोर करेंगे इक्विपमेंट डिटेरियरेशन को, इक्विपमेंट में जो डिटेरियरेशन हुआ है उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, जो एजिंग एजेड पार्ट है जैसे कोई बल्ब है कोई वॉशर है उसको रिप्लेस करना, ओके और अगर कोई आपका कूलेंट है कोई हाइड्रोलिक ऑयल है उसको रिप्लेस करना, और हम लोग डिटेरियरेशन को मेजरमेंट भी करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग जान सके कि जो डिटेरियरेशन हुआ है वो सही था क्या सही नहीं था, मतलब स्ट्रेस आया था, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वो है आप सभी लोग इसको पता है क्योंकि आप लोग कहते होंगे मैं तो यूज करता ही हूं, इसको हम कहते हैं गैस बर्नर। तो ये गैस बर्नर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो ये क्या है, जैसा आप देख सकते हो इधर इधर मैंने हर एक जो पार्ट है उसका थोड़ा बहुत नाम लिखने का कोशिश किया है। जैसे ये सेंटर कैप है, ये उसके नीचे जो नोजल है जिससे गैस का जो फ्लेम है वो निकलता है, और उसके ऊपर रहता है ये कास्टर आयरन का पैन सपोर्ट, एक ट्रे भी रहता है इधर, ये स्टेनलेस स्टील का एक पैनल है, ठीक है, और ये जो दो आप देख रहे हो ये नॉब जिसको आप एडजस्ट करते हो फ्लेम को बढ़ाने के लिए या तो कम करने के लिए, ठीक है, और ये नीचे है लग। अभी ये जो जितने सारे पॉइंट्स हैं हम ये समझेंगे कि क्या हम लोग मेंटेनेंस के दौरान हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग क्या मेंटेनेंस के दौरान क्या हम लोग इक्विपमेंट का लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, कैन हाउ मेंटेनेंस कैन इंप्रूव लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। मतलब नॉर्मली हम लोग एक गैस ओवन से मानी कि 4 से 5 साल हम लोग उसका लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैन वी मेंटेन इट इन सच ए मैनर दैट वी गेट 7 years लाइफ, इज इट पॉसिबल, ओके, इज इट वेरी एक्सपेंसिव, मे नॉट बी। क्या हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, क्या हम लोग इसका डिजायर्ड लाइफ और फंक्शनलिटी जो है वो हम लोग बराबर सेम मिल सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या हम लोग ऑपरेटर मेंटेनेंस यानी OM जो है उसको और लाइफ को एक साथ कुछ रिलेशन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, क्या मेंटेनेंस के दौरान सेफ्टी भी बन सकता है। मैं एक ये छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि अगर आप ये गैस बर्नर जो है इसको मेंटेन नहीं करते हैं, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उसका जो ब्लू फ्लेम है वो रेड फ्लेम में बदल जाता है। रेड अगर फ्लेम आता है उसका मतलब ये है कि आपका जो बर्नर है या तो नोजल है उसमें कुछ डिपोजिशन हुआ है। तो तुरंत अगर आप उसको कूल करके आप उसको क्लीन करते हो आप देखोगे फ्लेम वापस ब्लू हो जाता है। तो कई बार मैंने देखा है ये नोजल जो है वो जैमिंग हो जाता है, उसका कई वजह है। मैं आपको स्ट्रेस कैसे हम लोग खुद स्ट्रेस को पैदा करते हैं उसके बारे में एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे मानिए कि आप दूध लेके उसको उबाल रहे हो और वो दूध गिर के वो नोजल के ऊपर गिर रहा है, या तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली कुछ मेटेरियल दे के उसको हीट करने का कोशिश कर रहे हो चपाटी बनाने के लिए, उसका जो पार्टिकल्स है वो सब उसके अंदर आ रहा है, और वो अंदर आने के टाइम में क्या होगा, नोजल जो है वो चोक्ड हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो चोक हो ही जाएगा, और इससे क्या है गैस निकलने का जो रेट है उसमें बाधा पहुंचेगा, और आपका जो फ्लो रेट है जो गैस सिलेंडर का वो फ्लो रेट 1 में दिया गया है और इधर बाधा पहुंच रहा है, मतलब जिस रेट से गैस आना चाहता है उस रेट से गैस नहीं निकल पाता है, तो दैट मेक ऑल्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। और ये अगर ये बर्नड हो जाता है ये जो इम्प्यूरिटीज है ये नोजल को क्लीन करने में और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये जो साइड में मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ऑपरेटर मेंटेनेंस होता है क्या, उसका मकसद क्या होता है। तो ये जो नॉब है ये नॉब इधर, इसको अगर आप बहुत रैपिड रेट से घुमाते हो, इसको रफ हैंडल करते हो
उसमें भी डेंट पहुंच जाता है, स्लिपिंग होता है। तो मानिए कि आप सेटिंग एक में करना चाहते हो लेकिन शायद आपको ज्यादा घुमाना पड़ेगा तो उसमें स्लिप हो जाएगा। ये भी सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि हो सकता है आप सोच रहे हो कि एक में है लेकिन वो है दो में या तो तीन में। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको समझना होगा इक्विपमेंट के बारे में, वो इक्विपमेंट को मैं हैंडल कैसे करूंगा इसके ऊपर। और ऑपरेटर मेंटेनेंस इतना ही है कि जो मुझसे किया जाएगा उतना मैं करूंगा क्या, क्या मैं वो कर सकता हूं क्या। जैसे आके थोड़ा बहुत ये नोजल को उठा लीजिए, उठा लेके नोजल क्लीनर मिलता है, वो नोजल क्लीनर से थोड़ा सा सारे होल्स को अगर आप क्लीन कर दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मैंने इधर पिक्चर में नहीं लाया, वो है गैस का जो पाइप आता है। कई जगह में ये रबर पाइप होता है और ये रबर पाइप का एजिंग होता है। मैंने कई बार देखा है कि ये पाइप जो है इसको एज जो लाइफ है उसके ऊपर भी लोग यूज कर रहे हैं, जिसके दौरान उससे उसके अंदर से गैस लीकेज होने का चांस है। और अगर उस टाइम में बर्नर ऑन है आपको एक एक्सीडेंट का चांस भी होता है। तो ये जो पाइप है उसको रबर पाइप उसको चेंज करने का जो नाम है वो कर सकते हो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइम। मतलब ऑपरेटर मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये दोनों ही आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का अंदर, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन को, ब्रेकडाउन होने के पहले ही आप इसको करते हो, ये याद रखिएगा। सो ऑपरेटर मस्ट लर्न, जो भी ऑपरेटर हो मस्ट लर्न कि हाउ टू रियली डू द क्लीनिंग लुब्रिकेशन इंस्पेक्शन टाइटनिंग और रिटाइटनिंग टू टेक केयर ऑफ अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन। ऑपरेटर ऑल्सो शुड नो हाउ टू मेंटेन द इक्विपमेंट स्ट्रेस फ्री, दीज आर इंपॉर्टेंट। कई बार प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं और स्ट्रेस पैदा करते हैं और उससे फायदा के उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं हम लोग। तो मैक्सिमाइज ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, टीपीएम के दौरान इक्विपमेंट की एफिशिएंसी हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं क्योंकि ब्रेकडाउन का चांस लगभग जीरो हो जाता है। और हम लोग रिएक्टिव मेंटेनेंस या तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को अवॉइड करते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं, ओएम करते हैं। सारे ऑपरेटर का योगदान होता है। ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं कि भाई मेरा इक्विपमेंट ब्रेकडाउन है, मेंटेनेंस के बंदा आप आ जाओ इधर काम करो। बट टीपीएम इज नॉट सेइंग दैट, टीपीएम इज टेलिंग वेरी क्लियरली आप ऑपरेशंस में हो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इक्विपमेंट को मेंटेन करने का, स्ट्रेस फ्री रखने का। इफ यू डोंट डू दैट अननेसेसरली यू आर कॉजिंग स्ट्रेस ऑन द मेंटेनेंस पीपल। ओके, ऑल मैनेजमेंट लेवल्स फ्रॉम सीनियर मैनेजर टू ऑपरेटर्स आर पार्ट ऑफ दैट। और जो गेम्बा के बारे में मैंने लास्ट टाइम बोला था, शॉप फ्लोर ओरिएंटेड, ये इसका डायरेक्ट एक टेक्निक है। एंड इन दिस ग्राफ इट हैज बीन प्लॉटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ। ट्रेंड लाइन हमें काफी मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका कुछ असर एक्चुअल में हो रहा है क्या नहीं। और जब हम ट्रेंड चार्ट प्लॉट करते हैं हम लोग, जैसे इस केस में 24 सेल का पूरा 187 मशीन को एक साथ में लिया गया है, लेकिन हम लोग अगर जरूरी है कि हम लोग किसी एक सेल में, मानी कि 12 मशीन है तो हम लोग उस 12 मशीन के ऊपर काम शुरू किया है, तो हम लोग उस 12 मशीन का अलग से एक ट्रेंड चार्ट प्लॉट करके देख सकते हैं कि उसका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ असर हो रहा है क्या नहीं। ये केस में हम लोग को देखने को मिल रहा है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग की कैसे ब्रेकडाउन नीचे की तरफ गया है। इस केस में Y एक्सिस का जो स्केल है उसको हम एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये स्पोराडिक पॉइंट जो है इसको ठीक करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम लोग इस स्केल को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। इसको अगर हम एक्सपांड करते तो शायद इधर वेरिएशन बिटवीन द पॉइंट्स, जो पॉइंट के में आपस में जो वेरिएशन है वो अभी बहुत कम दिख रहा है, वो दिख सकता था। नीचे एक टेबल हमेशा मदद करता है, डेटा अगर इस तरह प्लॉट किया जाए उसके नीचे अगर बराबर दिखता है द एक्चुअल डेटा, तो डेटा को समझने में काफ़ी मदद होता है। ये ग्राफ हम लोग लिया है, हमारा एक क्लस्टर मेंबर है SB इंजीनियर्स,
उनसे। तो आप देख सकते हो इधर उनको काफी रिडक्शन हो चुका था बिकॉज ऑफ द ऑपरेटर मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी एंड सब्सिक्वेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डिजाइन एंड शेड्यूल। कुछ पॉइंट आ जाता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TPM इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टीम। अगर हम लोग सही मायने में जिन लोग एसोसिएटेड हैं और होना चाहिए जिनको TPM के साथ, उन सबको अगर लेते हैं तो TPM का असर काफी अच्छा मिलता है। जैसा ऑपरेटर मेंटेनेंस करने के टाइम में प्रोडक्शन से ऑपरेटर का मदद लेना बहुत जरूरी है, ऑपरेटर को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि इससे उनका नॉलेज लेवल स्किल लेवल से भी बढ़ता है। और ऑपरेटर के साथ उनका कंसर्न सुपरवाइजर जो है, मेंटेनेंस का आदमी जो है, मेंटेनेंस का आदमी हमेशा एनालिसिस के लिए मदद कर सकते हैं और सिखाने के लिए मदद कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस आपस में मिलजुल के काम करते हैं तो दोनों में टीमिंग तो अच्छा ही होता है और प्रोडक्शन में बहुत मदद मिलता है बाद में, क्योंकि अगर ऑपरेटर का नॉलेज हो जो हमेशा मशीन के सामने खड़े होते हैं, उनको समझ में आएगा अगर मशीन मेल फंक्शन करने लगे तो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये टाइम आ गया, अभी एक्शन लेना जरूरी है। तो हम काफी बड़ा बड़ा ब्रेकडाउन को सेव कर सकते हैं। और लीन कोऑर्डिनेटर जो अगर 2-3-4-5 ग्रुप हो गया डिफरेंट मशीन के संदर्भ में, तो लीन कोऑर्डिनेटर ये सब ग्रुप में कॉमन कोऑर्डिनेटर के दौरान काम कर सकते हैं। OM ट्रेनिंग ऑपरेटर को देना जरूरी है, नहीं तो OM बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है। और ये ट्रेनिंग का डिटेल ट्रेनिंग रजिस्टर में हम लिख सकते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये रोल ऑफ मेंटेनेंस में ऑपरेटर का नॉलेज को मॉनिटर करना जरूरी होता है, तो मेंटेनेंस इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हमेशा हम लोग OM के लिए और PM के लिए स्टैंडर्ड टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना एक्टिविटी है। नॉट कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं और कह देते हैं कि सभी मशीन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन एक दो एक्सेप्शन हो सकता है जो केस में OM के लिए थोड़ा ज्यादा आउट टाइम देना चाहिए। हो सकता है 5 मिनट के जगह में आप 7 मिनट भी दो। तो सर्टिफाइड ऑपरेटर अगर ये OM को करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके लिए डेटा लॉग बुक जो है इसको रेफर करना चाहिए, मशीन हिस्ट्री भी मेंटेन करना चाहिए एनालिसिस के लिए, पार्ट्स जो भी अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन के टाइम में या तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइम में अगर रिप्लेस करना है तो ब्रांडेड पार्ट्स लेना चाहिए, और ब्रांडेड कौन सी ब्रांड का कौन सी पार्ट लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, ये सब इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में के अंदर आना चाहिए। जिशु होजेन या तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो है, इनका कुछ स्टेप 0, 1, 2, 3 होता है। तो स्टेप 0 में हम लोग प्रिपेयर करते हैं पूरा फैक्ट्री को जिशु होजेन या तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस करने के लिए, जहाँ पर टैग का डिजाइन करते हैं, कौन कौन सी एक्सेसरीज चाहिए क्लीनिंग के लिए, मशीन ओपन करने के लिए वगैरह, कंसर्न्ड ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए, कौन कौन आदमी क्या करेगा इसका रोल डेफिनेशन होना चाहिए। ये सब करने के बाद हम लोग इनिशियल क्लीनिंग में जाता है स्टेप 1 में, जहाँ पर हम लोग जो एबनॉर्मलिटी है, जो मेलफंक्शनिंग है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और जो ये सब जो है ये अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन के अंदर आता है, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में वो आइडेंटिफाइड एबनॉर्मलिटी जो है उसके अगेंस्ट में हम लोग काउंटर मेजर को डिजाइन करते हैं, ताकि क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग या तो रिटाइटनिंग आसानी से किया जाए। और स्टेप 3 में हम लोग क्लीनिंग और लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग, ये सब का एक स्टैंडर्ड निकालते हैं और जो स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, और बाद में अगर जरूरत है तो इसको रिवाइज भी करना चाहिए।
स्पेयर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्विक रेस्टोरेशन के लिए ये काफी जरूरी है। और आज के दिन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और मशीन लर्निंग काफी मदद कर सकता है। अगर मशीन पैरामीटर ठीक से हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो हम लोग वो पैरामीटर को मॉनिटर कर सकते हैं बाय जनरेटिंग द डेटा। अगर उसमें लिमिट को डिफाइन किया जाए तो मशीन लर्निंग हमें इंडिकेट कर सकता है, बता सकता है कि हाँ अभी टाइम आ गया, वार्निंग लिमिट जो है इसको क्रॉस करने का टाइम में अगर एक कॉशन मिलता है तो हम मशीन को बंद कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। अगर AI का इस्तेमाल किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हो सकता है कि हम लोग कुछ ऑटोमेटिक काउंटर मेजर भी ले सकते हैं। मेंटेनेंस के दौरान काफी डिफेक्ट्स जो है वो कम हो जाता है, जो जिसमें हम लोग बहुत टाइम देते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो सब एलिमिनेटेड हो जाता है। तो TPM का जो इम्पैक्ट है ओवरऑल, ये बहुत ही अच्छा योगदान होता है TPM का। तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि सभी कंपनी इसको सीरियसली लें और ठीक तरीका से इसको इम्प्लीमेंट करें।